हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाए, स्पॉटलेस हो जाए, तो ये DIY रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अगर आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कि हमें इस DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जो हमें इजीली मिल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको एक चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना है। मिल्क पाउडर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो आपको इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1 टीस्पून ग्राम फ्लावर यानी बेसन। बेसन आपकी स्किन को क्लियर बनाएगा, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन और मिल्क पाउडर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कर्ड यानी दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जिससे स्किन डीपली क्लीन होती है। अगर आपके स्किन में झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1 टीस्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर का जो pH लेवल होता है वो हमारे स्किन के pH लेवल को बैलेंस करके हमारे स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, स्किन को क्लियर बनाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं होता तो आप इसमें टमाटर का रस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जिससे स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ हैं तो वो भी दूर होगी। उसके बाद आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो मैंने यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक एकदम रेडी हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारा पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यह आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसे यूज़ करोगे तो। इसको यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद आप को अपने फेस की कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। इस पैक को आप अपने हैंड्स पर, अपने नेक पर, अपने फीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये रेमेडी आप अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की टैनिंग रिमूव होगी, डार्कनेस दूर होगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस पैक को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करूँगी। मसाज करने से क्या होगा कि स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा, स्किन से डेड स्किन रिमूव होगी। तो आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद आप क्या करें, आपको इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तो नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। ये पैक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएंगे। तो गाइज, आपको इस पैक को रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसे एक ही बार यूज़ करोगे तो एक बार में तो रिजल्ट्स मिलना नामुमकिन है। तो आपको कम से कम इसके अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया और मेरे फेस वॉश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है स्किन, बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। इसके पहले ही उससे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे।
अगर आपको इसके बेस्ट जेल चाहिए तो आपको वीक में 3 से 4 बार इसे ट्राई करना होगा, जिससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो वो भी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। तो आप इस DIY पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।